हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनाली। आज है पहला नवरात्रा, तो नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे माता रानी ब्लेस अस ऑल विच वी नीड एट दिस मोमेंट, एंड गो करोना गो हो ही जाए इस बार। सो आज का वीडियो है हाउ टू नीड द डो, दैट इज आटा गूंदना इन द फूड प्रोसेसर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इन केस यू लाइक द वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू कैन गेट अपडेटेड एंड गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। तो ये है मेरा बजाज का फूड प्रोसेसर, और इसके लिए जिस अटैचमेंट की हमें जरूरत पड़ेगी वो है ये मेन अटैचमेंट, एंड इसके बाद इस तरीके का ब्लेड होता है। सो दिस इज बेसिकली आटा गूंदने के लिए। अगर ये न्यू है आपका फूड प्रोसेसर, जैसे माइन इज न्यू, हार्डली 2 years ओल्ड, तो हमें इसमें ऑयल लगाना पड़ेगा सब जगह, इधर भी और इधर भी, सो दैट अच्छे से ये फिरकी जो है इट कैन रोटेट। ठीक है, अगर पुराना हो चुका है देन इट विल बी, यू विल बी एबल टू डू विदाउट ऑयल एज वेल। तो ये जरूर लगाइएगा, ये स्टेप जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैंने बिना ऑयल के एक बार करा था एंड इट डिडंट वर्क्ड। सबसे पहले ये अटैचमेंट लगाना है, इसके ऊपर इसको फिक्स करना है। अभी कोई भी रिफाइंड ऑयल से हम इधर अच्छे से ऑयल लगा देंगे, सेम विद दिस। इस तरीके से आपको इस अटैचमेंट पे ऑयल लगाना है इस तरीके से। ये एक दो बार ही जरूरत पड़ेगी, नॉट एवरी टाइम। सबसे पहले ये अटैचमेंट डालेंगे, उसके बाद दिस वन। ठीक है, मशीन इज रेडी। अब यहां पर मैंने लिया है 1 गिलास आटा और 1 गिलास पानी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 ग्लास आटा, या आप अपनी नीड के हिसाब से ज्यादा या कम कर सकते हैं, इट्स जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। अब इसको लॉक कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। तो अभी इसके अंदर बहुत ज्यादा पानी डल गया है। ठीक है, तो मैं 1 गिलास आटा और ऐड कर रही हूं टू मेक इट परफेक्ट। तो 2 गिलास आटे के अंदर 1 गिलास से थोड़ा कम पानी डलता है। नाउ अगेन, तो देखिए जब ये सारा आटा एक तरफ आ जाए इट मींस इट इज रेडी नाउ। तो मैंने टोटल 2 ग्लास आटा लिया था और 1 से थोड़ा कम, मतलब पौना ग्लास, 1/4 ऑफ द ग्लास वाटर लिया था। तो ये देखिए, इसको मैं एक प्रांत में निकाल लूंगी या खुले बर्तन में निकाल लूंगी। तो फाइनली ये आटा मैंने निकाल लिया है, एंड सी कितना बढ़िया आटा गूंदा है। देखिए हमारा एफर्ट, मैं कहती हूँ बहुत कम हो गया है, बहुत कम। अभी जस्ट एफर्ट क्या लगेगा इसको गूंदने का, उसके लिए हमें खुला बर्तन चाहिए जिसके अंदर हमारा हाथ अच्छे से डिप हो जाए, और इसमें पानी डाला हुआ है। यू कैन डू दिस स्टेप विद द मिल्क एज वेल, और हमको इसको अच्छे से गूंदना है यूजिंग दिस पार्ट ऑफ द हैंड। जितना आप गूंदोगे उतनी ही सॉफ्ट आपकी रोटी बनेगी। इस स्टेप के अंदर आप इसको पानी डाल के और ऐसे ऐसे करके किसी एक कपड़े से ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ दो। जितना टाइम छोड़ोगे उतना ही अच्छा है, आधा घंटा छोड़ सकते हो तो वेल एंड गुड, इतना टाइम नहीं छोड़ सकते हो तो मिनिमम 5-10 मिनट्स के लिए इसको रेस्टिंग टाइम दे दो,
और फिर इसको फाइनल वाइंड अप दोबारा इसी तरीके से करेंगे, देन योर रोटीज विल बिकम सुपर सॉफ्ट। तो मैं इस आटे को अब ढक के रख दूंगी फॉर 10 मिनट्स। तो अभी इस आटे को रखे 10 मिनट हो चुके हैं, लेट्स सी। परफेक्ट। अब हम फिर पानी लेंगे फॉर स्प्रिंकल एंड अगेन वही गूंदना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा एफर्ट देखिए कितना कम हो गया। अगर आपको 50-60 रोटी बनानी है, कोई गेस्ट आ रहे हैं घर पे, तो आप अच्छे से उसको फूड प्रोसेसर को यूटिलाइज करें। इसको अब हम किसी डब्बे में डाल देंगे एंड जब भी आप फ्रिज में आटा रखते हैं तो ऊपर से थोड़ा सा 2 बूंद जैसे ऑयल डाल के सब तरफ मल लें। इससे आपका आटा और भी अच्छा पड़ा पड़ा और अच्छा हो जाएगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस गुलमटोल आटा, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।